हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मंडे है और मंडे को हमने मैं वैसे फास्ट रखती हूँ, बट मैं मतलब एक फास्ट मेरा मैं अपनी नंद की गई थी तो वहाँ पर मैं मतलब रख नहीं पाई, क्योंकि किसी घर जाते हैं तो फिर थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है ना व्रत वगैरह रखने में, तो इस वजह से मैंने व्रत रखा नहीं था। तो इसलिए मैं पहला और लास्ट का रखूँगी सोमवार का। तो मैं आज अपना डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। आज प्रियांशी स्कूल गई है और उसके बाद परिधि सो रही है, ये सो रही है परिधि, क्योंकि ना इसको हो रही है खांसी, ये सो रही है यहाँ पे, ये परिधि सो रही है। और जब तक ये सोती है उसकी तब तक मैं अपना काम निपटाऊँगी। काम निपटा के आपके साथ ही रहूँगी मैं काम निपटाने में। तो प्लीज़ गाइज, मेरी वीडियो को आप देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें, तो मैं आपके साथ अपना पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है तो मैंने ये वाला सूट पहना है, मेरी मम्मा ने दिया था मुझे ये सूट। तो मंडे हम जल चढ़ा के आए थे पुनीत जी और मैं, क्योंकि सावन सावन मंडे को तो मैं जाती हूँ, तो अदरवाइज मैं और दिन नहीं जा पाती, थोड़ा बच्चों के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता ना, तो इस वजह से। तो मम्मी जी गई हैं ऊपर गेहूं करने के लिए, वो अभी मैं नहीं करती हूँ क्योंकि अभी मम्मी जी करती हैं गेहूं वगैरह, और वो ये ना गई अपने ऊपर जिम्मेदारी जब पड़ेगी ना तो मतलब खुद ब खुद सब चीज़ आ जाती है। तो मम्मी जी ऊपर गई हैं इतने में, अब बज रहे हैं 9:30 हो रहे हैं, तो मैं अपना काम शुरू करने वाली हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन और अपना ये समझाना उमगाना। तो गाइस आज मैं सोच रही हूँ अपनी अलमारी समझाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो में मेरे साथ बने रहें आप। तो अब करते हैं हम अपना काम शुरू। सबसे पहले गाइस मैं बर्तन मांजूंगी अपने, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे बर्तन हो रहे हैं, सबसे पहले बर्तनों का काम ख़त्म करूँगी उसके बाद दूसरा काम करूँगी। ओके, जब दाल बनाते हैं ना तो इसमें ना काफ़ी निकल जाता है, तो ये गंदा हो जाता है, तो उसे साफ करने के लिए ना तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि ये गंदा गंदा अच्छा नहीं लगता ना, फिर इसकी ये जो सीटी होती है ना उसको निकाल के इस तरीके से साफ करने में काफ़ी अच्छे से साफ हो जाता है, फिर और फिर इसकी सीटी आने में प्रॉब्लम होती है, तो जो ये रबड़ होती है ना उसको भी निकाल के हम इस तरीके से साफ कर सकते हैं। ट्राई करके देखना गाइस, काफ़ी अच्छा फर्क लगता है ऊपर में भी, क्योंकि जो ये कालापन सा हो जाता है ना इसमें, इसकी वजह से ये सारा काम हमारा ख़राब हो जाता है, और जो दाल का पानी होता है वो निकलता है वजह से। तो मेरे को ये मेरी सिस्टर ने सिखाया था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं आता था, कुछ काम मेरी सासू माँ ने सिखाया मुझे, और कुछ काम मेरी मम्मा ने, और कुछ काम मेरी सिस्टर्स ने, क्योंकि गाइस मेरी शादी हो गई थी जल्दी, जिसके वजह से मुझे, क्योंकि गाइस मैं सबसे छोटी थी घर में और मैं कुछ काम नहीं करती थी, अपने घर में पढ़ाई करती थी बस, और शादी हुई थी मेरी, उसके बाद मैंने शादी होने से पहले मैंने घर का काम सीखा था, मतलब कुछ महीने बचे थे तब मैंने ये काम सीखे थे। सीखना क्या गाइस, अपना अपना जब किसी चीज़ में लगन होती है ना तो वो खुद ब खुद आ जाता, तो बस इसी तरीके से आ गया, क्योंकि सबसे छोटे होते हैं तो काम तो करना नहीं पड़ता घर में, सब अपनी ध्यान वगैरह करती है, तो बस हम भी नहीं करते थे, स्कूल जाते थे आते थे सोते थे, बस यूँ ही निकल जाता था अपना टाइम, तो अब मैंने बाद में सीखा, तो
हाय गाइस, मेरे बर्तन तो मंज गए हैं और अब मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से परी जी के ले रही थी शूज, क्योंकि ना मेरे को मम्मी जी कह रही है कि तू काम निपटाएगी इतने इसको ऊपर छोड़ दे, तो मम्मी जी ऊपर, तो ये देखो कैसे रो रही है बैड गर्ल की तरह, तो मैं इसको शूज पहना देती हूँ। पहले बैठ जा, मत गाइस बोलेगी, गाइस बोलेंगे ये तो रोती है लड़की, है ना, हाय करते हैं, है ना, हाय कर दो, तो गाइस अब मैं इसको लेके जाऊंगी ऊपर, परिधि खड़ी हो, परिधि को ऊपर छोड़ के आऊंगी अम्मा, दीदी ऊपर चलोगे दादी के पास चलोगे, दिखाती मैं आपको, मम्मी तो मैक्सिम है क्योंकि मम्मी ना पसंद नहीं है पेटीकोट ब्लाउज में आना, इस वजह से मैं आपको दिखा देती हूँ, चश्मे में बैठी हूँ, मेरी मेरी सासू माँ, हाय कर दो मम्मी, हाय कर दो मम्मी, हाँ सही है परी थी, हाँ ये खेलेगी अब, और मैं लगाऊंगी पोचा, ठीक है, गाइस देखो लवु भी सो रहा है, कुशु कुशु तो उठ गया, कुशु भी नींद में हो रहा है और लवु भी सो रहा है, उठ गया एकदम से, तो अब ये दोनों नहाएंगे, इतने मैं लगाऊंगी पोचा। दिखाओ, तो गाइस अब मेरा सारा काम निमट गया और मैं खिला रही हूँ परिधि को खाना, बात करो आप इससे, कैसा लगा, अच्छा है,